तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे पास टेक्नो का सेट आया है। और दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है आप लोग डिस्प्ले पे देख ही सकते हो। दोस्तों इसका जो मॉडल नंबर है मैं आप लोग को एक बार बताना चाहता हूँ, इसका जो मॉडल नंबर है क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो टेक्नो KG6K इसका मॉडल नंबर है। दोस्तों अगर आपके पास टेक्नो का कोई सा भी मॉडल आता है और ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले पे, अगर ऐसा प्रॉब्लम दोस्तों बताता है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से सही कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैंने चार्ज भी लगाया हूँ इस मोबाइल को और बार बार यही सिस्टम आ रहा है डिस्प्ले पे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर हम इसको डाटा केबल जो है कनेक्ट कर देंगे मोबाइल, डिसकनेक्ट कर देंगे मोबाइल से, तो यहाँ पर ये नहीं बताएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हो अभी चला जाएगा, नहीं बताएगा अभी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नहीं बता रहा है। अगर दोस्तों इस मोबाइल को मैंने अगर ऑन करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या बताता है। तो मोबाइल को ऑन कर रहे हैं फिर भी दोस्तों यही सिस्टम बार बार बता रहा है, मोबाइल ऑन करने के बाद भी दोस्तों ये मोबाइल पूरी तरह से ऑन नहीं हो रहा है, यही सिस्टम बता रहा है। तो दोस्तों इसमें जो बता रहा है वो बोल रहा है पावर ऑन बटन 5 सेकंड तक दबा के रखोगे तो ये आपका जो मोबाइल है वो सही हो जाएगा। मैंने दोस्तों 5 सेकंड नहीं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक दबा के रखा, फिर भी जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये मोबाइल जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि इस मोबाइल को अगर हार्ड रिसेट कर देंगे तो सही हो जाएगा। दोस्तों हार्ड रिसेट करने से भी नहीं सही होगा ये मोबाइल, क्योंकि मैंने इसको हार्ड रिसेट करके देख लिया और मोबाइल जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है मैं आप लोग को इस वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे वो दोस्तों कोई सा वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर देगा दोस्तों आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग के पास टेक्नो का कोई सा भी सिस्टम मतलब कोई सा भी सेट आता है, अगर यही सिस्टम बताता है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से सही कर सकते हो। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों ये सॉफ्टवेयर से है, अगर आप लोग फाइल डाउनलोड करके इसमें डालते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। और बहुत लोग सोचते होंगे कि मतलब ये हार्डवेयर से दिक्कत है, हार्डवेयर से दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर आप लोग प्लेट में छेद करने करोगे तो जो आपको मोबाइल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग एक बार सॉफ्टवेयर करिए और 100% दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर देगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग मॉडल नंबर देख सकते हो जो है, अगर ये सिस्टम बता रहा है दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सॉफ्टवेयर करिए, हार्डवेयर चक्कर में मत आजिए, नहीं आपका जो मोबाइल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।